ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। बताएंगे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की वास्तुकला और इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है जो भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर बहुत बड़े रथ का आकार में बना हुआ है जिसमें कीमती धातुओं के पहिए, पिलर और दीवारें बनी है। मंदिर का मुख्य भाग आज विनाश की कगार पर है। आज यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और साथ ही साथ यह मंदिर भारत के 7 आश्चर्यों में भी शामिल है। चलिए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कोणार्क मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों भविष्य पुराण और सांबा पुराण के अनुसार उस क्षेत्र में इस मंदिर के अलावा एक और सूर्य मंदिर था जिसे 9वीं शताब्दी या उससे भी पहले देखा गया था। इन किताबों में मुंडेरा यानी कि कोणार्क, कालप्रिय यानी कि मथुरा और मुल्तान में भी सूर्य मंदिर बताए गए हैं। धर्म ग्रंथ सांबा के अनुसार कृष्ण के बेटे को कुष्ठ रोग का श्राप था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी। तभी सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्र वन के नजदीक 12 सालों तक कड़ी तपस्या की। वास्तविक कोणार्क मंदिर और मुल्तान मंदिर सांबा की ही विशेषताएं को दर्शाते हैं। एरिथ्रेन सागर यानी कि पहली सदी के पास एक बंदरगाह भी था जिसे कैनपरा कहा जाता था और इसी को आज कोणार्क कहा जाता है। जब कभी भी परंपरा, रीति रिवाज और इतिहास की बात आती है तो भारत का हर एक मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोणार्क मंदिर का नाम विशेषता कोना, किनारा और अर्क सूर्य शब्द से बना है। यह पूरी और चक्र क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है। और अब आपको बतला रहे हैं कोणार्क मंदिर के वास्तुकला के बारे में। दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क का मंदिर अपने अद्भुत एवं अनोखे वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर भारत के मध्यकालीन वास्तुकला का बहुत ही बेजोड़ नमूना है। सूर्य देव के इस मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट का पत्थर का लाया गया था। दोस्तों कोणार्क मंदिर की संरचना को रथ के आकार में ढाला गया था तथा इसकी स्थापना राजा नरसिंह देव द्वारा हुई थी। अपने इस विशिष्ट आकार और अनोखे वास्तुकला के कारण सूर्य देव का यह कोणार्क मंदिर न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशों के लोगों को भी यहां आने पर मजबूर करता है। सूर्य देव के रथ के आकृति के इस मंदिर में कलिंग शैली का प्रयोग किया गया है। सूर्य मंदिर के प्रत्येक पत्थरों में बने सुंदर नक्काशियों को देखकर कोई भी अपना मुंह पल भर के लिए इस मंदिर पर से नहीं हटा सकता। मंदिर की दीवारों पर बनी सुंदर शिल्प कृतियों में शिल्पकारों ने अपना उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया है। मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि यह 12 चक्रों वाले रथ के पहिए के साथ 7 घोड़ों से सजा एक रथ सा दिखता है। हिंदू मान्यता में भगवान सूर्य के रथ को 12 पहिए एवं 7 घोड़े से सुसज्जित बताया गया है। अतः कोणार्क मंदिर सूर्य देव के रथ को ध्यान में रखकर उसके ही एक प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। मंदिर के इन 12 चक्रों में से प्रत्येक में 8 अर हैं जो एक दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। लगभग 112 साल से इस मंदिर में रेत भरी है तथा इसके काफी भाग ध्वस्त हो चुके हैं। इसका कारण है कोणार्क मंदिर का इतिहास और प्राकृतिक। अनेकों मुगल आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया व प्राकृतिक आपदाओं से भी इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बटा है जिनपे 2 मंडप ढह चुके हैं।
हैं तथा एक मंडप जहां पर मूर्तियां रखी थी उसे अंग्रेजों ने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सुरक्षित रखने के लिए रेत बालू आदि से भरवा कर सभी द्वार बंद कर दिए थे। इस मंदिर में सूर्य देव की 3 मूर्तियां हैं जिनमें उनकी बाल्य अवस्था, युवा अवस्था तथा प्रौढ़ा अवस्था तीनों को प्रदर्शित किया गया है। इसके प्रवेश द्वार पर नट मंदिर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर नृतिकाएं सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर के ऊपर चुंबक पत्थर लगा हुआ था जिसके कारण समुद्र में अनेक सागर पोत इस ओर खींचे चले आते थे तथा उन्हें भारी क्षति का सामना करना पड़ता था। इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर 2 सिंहों को हाथी के ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है जिसका एक मतलब यह भी है कि ये रक्षा के लिए सदैव तैयार है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन मूर्तियों का निर्माण एक ही प्रकार के पत्थरों से हुआ है। वर्तमान में इस मंदिर में और भी कई हॉल हैं जिसमें मुख्य रूप से नाट्य मंदिर और भोग मंडप शामिल हैं। कोणार्क मंदिर अपनी कामोत्तेजक मूर्ति वंश मैथुन के लिए भी काफी जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास 2 और विशाल मंदिर पाए गए हैं जिसमें से एक महादेवी मंदिर जो कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार के दक्षिण में है। ऐसा माना जाता है महादेवी मंदिर सूर्य भगवान की पत्नी का मंदिर है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी के अंत में खोजा गया था। कोणार्क मंदिर के पास का दूसरा मंदिर वैष्णव समुदाय का है जिसमें बलराम, बराह और त्रिविक्रम की मूर्तियां भी स्थापित की गई है, इसलिए इसे वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन दोनों ही मंदिर की मूलभूत मूर्तियां गायब हैं। मंदिरों से गायब हुई बहुत सी मूर्तियों को आप कोणार्क आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में देख सकते हैं। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कोणार्क मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यमयी और रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण रथ के आकार में किया गया है जिसके कुल 24 पहिए हैं। रथ के एक पहिए का डायामीटर 10 फीट का है और रथ में 7 घोड़े भी हैं। आश्चर्यचकित प्राचीन निर्माण कला का अद्भुत नमूना माने जाने वाले कोणार्क मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यह सम्मान पाने वाला ओडिशा राज्य का वह अकेला मंदिर है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश भाग पर 2 बड़े शेर बनाए गए हैं जिसमें एक शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है। लोग मानते हैं कि इस मूर्ति के माध्यम से हम सबको बतलाया गया है कि इंसान के अंदर भी शेर और हाथी छुपे हुए होते हैं। उस दृश्य में शेर गर्भ का और हाथी पैसों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंसानों की बहुत सी समस्याओं को उस एक अद्भुत दृश्य में ही बताया गया है। कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ की तरह है और यह मंदिर अपनी विशेष कलाकृति और मंदिर निर्माण में हुए कीमती धातुओं के उपयोग के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ में बने 12 पहियों की जोड़ी है। ये पहिए कोई साधारण पहिए नहीं है क्योंकि ये पहिए हमें सही समय बताते हैं। उन पहियों को धूप घड़ी भी कहा गया है। कोई भी इंसान पहियों की परछाई से ही सही समय का अंदाजा लगा सकता है। मंदिर के ऊपरी भाग पर एक भारी चुंबक लगाया गया था और मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे के प्लेट भी लगी थी। चुंबक को इस कदर मंदिर में लगाया गया था कि वे हवा में फिरते रहते थे। इस तरह का निर्माण कार्य भी लोगों के आकर्षक का मुख्य कारण है। लोग बड़ी दूर से यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। कोणार्क मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनवाया जाना था लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोड़ा कहा गया और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए ओडिशा में इसका प्रयोग किया जाता है। कोणार्क मंदिर का हर एक टुकड़ा अपने आप में ही विशेष है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए कोणार्क मंदिर भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण कोणार्क मंदिर के नाट्य मंदिर से होकर मंदिर के मध्य भाग पर आती है। कोणार्क मंदिर का सूर्य उदय ही देखने के लायक है।
तो आशा करता हूँ कोणार्क मंदिर पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।